बिजनौर इलाके के जोगीरामपुरी गांव जहां तीन दिन पहले मंदिर की मीनार पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर दूसरे पक्ष विवाद हुआ था। विवाद इतना बड़ा कि पुलिस ने मौके पर जाकर मंदिर पर लगा लाउडस्पीकर उतार दिया, जिसकी एवज में हिंदू समाज के सभी लोगों ने एक राय करके अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ के इश्तिहार लगा दिए। और इतना ही नहीं, अब गाँव वाले मजबूरन पलायन करने पर मजबूर है। गांव में कोई अनहोनी ना हो, इसको देखते हुए प्रशासन पूरे गांव में PAC तैनात कर दी है। सर, मामला यह है, हमारे यहां पे मंदिर से लाउडस्पीकर बजता था, यहां से हमारा लाउडस्पीकर उतरवा दिया गया और हम लोगों को अब भयभीत किया जा रहा है, हमें आतंकित किया जा रहा है। दो चार लड़के यहां पे तमंचा लगा के भी घूम रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अब हमारे सामने यहां से जाने के सिवा कोई स्थिति नहीं। आप भी जाना चाहते हैं? सर, इसीलिए जाना चाह रहे हैं सर, यहाँ पे हम लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, कोई सुनवाई हम लोगों के साथ नहीं हो रही, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सर, मामला ये है कि यहाँ कोई भी विवाद किसी तरीके का नहीं था, सब लोग बड़े प्यार से बड़े अच्छे से रह रहे थे। ये कुछ लोग अब 2007 का वाक्य दे रहे हैं, सर अब्दुल सलाम साहब ऐसे हुआ, तब भी इन लोगों के जिम्मेदारों ने थाने गई, पुलिस पहुंची के सामने सबने साइन किए, सब मामले हुए। दो बार के लिए साल में मैं का खुलासा किया दोनों पक्षों के मौजूदगी में, जन्माष्टमी में और नाग पंचमी के लिए। आप जो दुकानें इनकी बनी हुई हैं मंदिर की, उसके ऊपर रख के अपना त्यौहार मनाएं, पूजा पत्री करें, उसके बाद अपना उतार लें। दोनों पक्षों की सहमति से ये मामला हो गया। ये तो अब ये जो भी कह रहे हैं वो कम है, कोई इससे पहले कोई बस्ती में विवाद नहीं, कोई छेड़खानी नहीं। इनकी साल में रामलीला हर साल में होती है, उसमें हमारे जो प्रधान जी हैं गांव के, वो मोमन हैं, वो जाते हैं, फीता काटते हैं, पूरी देखरेख में इनकी रामलीला कराते हैं बड़े अच्छे से। आज तक कोई रिपोर्ट या कहीं कोई भी कोई विवाद का मामला ही नहीं है, कोई दर्ज नहीं कहा। अरे, जो घरों पर लिख रखा है उन्होंने कि मकान बिकाऊ, ये मामला क्या है? अब ये मामला ये है, कल इन्होंने इन्हें SDM साहब ने, CO साहब ने थाने बुलाया, तो ये भर बुलाए 10 लोग, ये गए भारी तादाद में लोग। ये वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा भाई तुम लोग क्या चाहते हो? तो इन्होंने कहा जी हम तो मैं अपनी मंदिर की बुर्जी पर रख के और 24 के 24 घंटे बजाना चाहते हैं। उन्होंने कहा भाई ऐसे तो इस बात का हल नहीं निकलेगा, अब आप इसमें थोड़ा बहुत कुछ सोचो, बस्ती में रहना है। इन्होंने कहा जी हमारी तो यही शर्त है। अब उसके बाद उनकी शर्त जब ये नहीं मानी गई, नकार दिया गया, तो इन्होंने आके अपने अपने घर के सामने लिख दिया कि ये मकान बिकाऊ है। हमारे किसी कोई हमारी तरफ से कोई लोग नहीं था, कोई मामला नहीं था। हमें बाद में उन्होंने बुलाया, हमसे पूछा, हमने कहा जी जैसे आप चाहें, आपने उतारा आपका रगड़ा, हमने तो उतारने के लिए कहा ना, आपसे चढ़ाने के लिए कहा।